नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे देवर्षि नारद की महिमा के बारे में और क्या है नारद जयंती का महत्व। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपकी सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं देवर्षि नारद की क्या है महिमा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नारद जयंती का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है परिग और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे नारद जयंती के नाम से जानते हैं। क्या है नारद जयंती का धार्मिक महत्व, क्या है महर्षि नारद की महिमा, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आप जो भी कार्य करेंगे, जिस भी कार्य में आज आप संलग्न हो जाएंगे, संलिप्त हो जाएंगे, उस कार्य में आज आपको यश नहीं मिलेगा। तो कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे में भी आपको अपना काम जरूर करना है। आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है वह निश्चित तौर पर निभानी चाहिए, चाहे वह पारिवारिक हो या व्यापारिक जिम्मेदारी हो। तो आप अपने काम में जरूर लगे रहें, उसका फल देना न देना भगवान के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। वह जैसी इच्छा उनकी होगी वैसा वो आपको फल देंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन की अशुभता को दूर करने के लिए आपके राशि का जो मंत्र है, आपकी राशि के देवता मंगल देव हैं, उनका जो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आज के दिनचर्या की नकारात्मकता को, दिन की नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करने से बचना चाहिए और अपने ऊपर भी अति आत्मविश्वास में न रहे। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ परिवार में जैसा सहयोग आप पिता की तरफ से चाहते थे वह सहयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज की तिथि में कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखती हैं, चाहे वह पारिवारिक हो या व्यापारिक परिस्थितियां हो, हर तरफ आपको एक अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको लोग अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। तो हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज किसी की बुराई में बहुमूल्य समय को नष्ट न करें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन में परिवार की तरफ से आपको कुछ उपहार या सम्मान मिल सकता है। आज का दिन जो है वह आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। आप जिस भी कार्य में श्री गणेश करेंगे आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, बशर्ते आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। आज की तिथि के लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं कि यदि आप भगवान श्री आदित्य अर्थात सूर्यदेव की आराधना करें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए 3 पाठ श्री आदित्य हृदय स्त्रोत के आपको जरूर कर लेने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तांबे के पात्र से जल अर्पित करते हैं, तो निश्चित तौर पर दिन का बहुत अच्छा लाभ आज के दिन लिया जा सकता है। आज के दिनचर्या में यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, जहां तक संभव हो सके आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक कार्य के दबाव में स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज की तिथि में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी में काम उतना ही लेना चाहिए जितने कार्य की आज्ञा आपका स्वास्थ्य आपको देता हो। तो बहुत ज्यादा कार्य के दबाव से आपको बचना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और उसके साथ साथ थोड़ा सा सरसों का तेल 250 ग्राम की मात्रा के आसपास ले सकते हैं और उतनी ही मात्रा में उड़द की दाल का आप लेकर के दान किसी गरीब व्यक्ति को करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसे दान किसी दरिद्र नारायण को आज की तिथि में आपको अवश्य कर देना चाहिए। आपकी अपनी जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनसे आज आप मुंह ना मोड़े, उनसे पीछे ना हटे। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आज पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के बहुत दुर्लभ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। दुर्लभ अवसर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत समय से आप परिवार के साथ मनोरंजन का एक अवसर चाहते थे, वह आपको मिल नहीं रहा था। आज बहुत मुश्किल से आप समय निकाल पाएंगे और पूरे परिवार को इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसा अवसर बहुत आज आपके लिए दुर्लभ होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाली है, तो भगवान श्री राम की आराधना करें, राम दरबार की पूजा आराधना करें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना रुद्राक्ष की माला पर या तुलसी की माला पर आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी के दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय ना करें, अगर दबाव की स्थिति हो तो ऐसे में निर्णय करने से बचना चाहिए और महत्वपूर्ण निर्णय करते समय परिवार के जो भी वरिष्ठ जन हैं, जो बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं, उनके साथ सलाह अवश्य कर लें। अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव में व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है, तो व्यर्थ की भागदौड़ करने से बचना चाहिए। आपको काम उतना ही लेना है जितना आप बहुत आसानी से बहुत सहजता के साथ कर सकें और आज की तिथि में भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और आपकी राशि के लिए जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये उपाय भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बुध को बहुत अच्छे तरीके से ये मजबूत करता है। आपको करना यह है कि भगवान गणेश की आराधना के साथ साथ छोटे बच्चों में विद्यार्थियों में अध्ययन सामग्री का वितरण करना, यानी स्टेशनरी कॉपी पेंसिल बुक रबर इन चीज़ों का वितरण करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। ये वितरण आप अपने घर के बच्चों में भी कर सकते हैं, आसपास के बच्चों में भी कर सकते हैं, आसपास कोई स्कूल हो या अनाथाश्रम हो वहाँ जा कर के दान दे सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्वयं अपने बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने से आज आपको बचना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जब हमारे विचार स्वतः ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, तो ऐसे विचारों से बचिए। इनसे बचने के लिए गणेश जी की आराधना बहुत आवश्यक है। इस बीच एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, देहरादून से रूबी जुड़ गए हैं। रूबी पूछिए अपना सवाल। चलिए लगता है रूबी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, दीपक जुड़ गए हैं। दीपक कहां से बोल रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। पूछिए अपना सवाल। मैं तो कॉल जी 5/2/1977 रात का टाइम है 9:15 बजे मुजफ्फरनगर का जी। तो मेरे से जो दशा चल रही है उसका मुझे क्या उपाय करना चाहिए, ये कैसी रहेगी मेरे लिए जी? देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। मंगल आपके लिए तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही बृहस्पति और केतु का अशुभ संयोग बन रहा है, जिसे गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है। गुरु पीड़ित है केतु के साथ, ये इस बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बृहस्पति का केतु या राहु के साथ पीड़ित होना ये निश्चित तौर पर पितृदोष को दर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। तो आपको पितृदोष का निदान भी कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ ये मंगल में राहु की जो दशा है ये बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली है। वर्तमान समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ जितना आप गरीबों के लिए सेवा कर सकें उनके लिए अगर आप भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर सकें तो आपको लाभ मिलेगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत जुड़ गए हैं टावा से। अजीत पूछिए अपना सवाल। अजीत पूछिए अपना सवाल। जी मेरा काम धंधा सही से नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या करना होगा जी? आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। चलिए लगता है अजीत से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, एकता जुड़ गई है। एकता पूछिए अपना सवाल।
श्वेता की आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी श्वेता आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए जी, बताएं अपना जन्म विवरण बताएं। तो अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1981। जी। टाइम है 2:51 दोपहर का। जी। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी। सर प्रश्न है कि उनका चंद्रमा में शनि चलने वाला है अक्टूबर से, जी ये कैसा रहेगा? नुकसान से नहीं है, परिवार में किसी प्रकार की हानि तो नहीं है? अगर है तो कुछ उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में मंगल राहु का भी एक अशुभ संयोग बना हुआ है। लग्न में केतु की स्थिति है और भाग्य स्थान में सूर्य शनि और बृहस्पति की स्थिति है, जिसमें चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर जो है वह शुरू होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जितनी आपको जैसी स्थिति दिखाई देती है उतनी क्षति की स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ फिर भी क्षति जरूर करेगा शनि, क्योंकि इसका जो संयोग है वो सूर्य के साथ वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बेहतर उपाय ये हो सकता है कि शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके उनकी शांति करा दें। शांति से बेहतर कोई निदान किसी भी ग्रह के लिए नहीं होता, तो सबसे सरल माध्यम यही है कि आप उसकी नकारात्मकता को शांत कर दें। आपके सितारे में फिलहाल वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, आज की तिथि बहुत अच्छी बनती है आपके लिए। आज आप अपने पुराने मित्रों के साथ मिलकर के एक अच्छा सुखद समय व्यतीत कर सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही सफल और खुशनुमा रहने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए, सफल सिद्ध करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति को क्रोधित होकर के अपशब्द ना कहें। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। आज भाग्य का साथ आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहने वाला है। आज आप जिस भी कार्य को आरंभ करना चाहते थे, पुराने काफी समय से आप प्रयासरत थे, आपको आज उसमें सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना आपके लिए फलित होने वाली है। आज जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव व विवाद का कारण बने रहने वाले हैं। तो पैतृक संपत्ति का कोई भी वाद विवाद वर्तमान समय में आपको इस समय छेड़ना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, श्री हरि का पूजन करें तो आपको फायदा मिलेगा। छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, उनके साथ स्नेह के साथ रहें, भाइयों के साथ प्रेम संबंध और बढ़ाएं। मित्रों की जो आपकी संगत है उसको एक बार आपको चेक करना चाहिए। इस आपकी मित्र मंडली में कहीं ना कहीं से ऐसी संभावना दिखती है कि कोई गलत व्यक्ति गलत मंशा या गलत आदतों और गलत संस्कार के साथ जुड़ गया है, तो गलत मित्रों की संगत से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी का आप भली भांति निर्वहन कर सकते हैं। काफी समय से आपको परिवार की जो जिम्मेदारियां थी आपको उन्हें पूरा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, तो आज आपने अवसर निकाला है अपने परिवार की सेवा करने का। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राम दरबार की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सिर्फ भगवान श्री राम की पूजा आराधना से आज आपका काम नहीं बनने वाला है, तो राम दरबार की पूजा आराधना करें, जिसमें भगवान श्री सीताराम जी होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, भरत होते हैं, हनुमान जी होते हैं, आप उनकी पूजा आराधना करें और उनके समक्ष बैठ करके राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। अति आत्मविश्वास में आज बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले जो हैं आज बाधित होने वाले हैं। तो जहां जहां आपको आज लगता था कि आपको फायदा मिल सकता है, आज वहां उन कामों में कहीं ना कहीं से कोई अड़चन आ सकती है, कुछ बाधा की स्थिति दिखाई देती है। और इस कष्ट की स्थिति से बचने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आज की तिथि में अवश्य कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो है वह गुरु स्वरूप है, उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ आपके अपने जिनको आपने गुरु माना है, जिनको आप इष्ट मानते हैं, जो आपके परिवार के गुरु हैं, उनकी सेवा आराधना करना भी, उनके आशीर्वाद लेना भी आज के दिन को सफल बनाएगा और आज यात्रा करने से आपको बचना है। और बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास जो भी धन की स्थिति अभी है उसे बहुत ही बचा करके चलना चाहिए। जल्दीबाजी में धन का निवेश करने से आप बचें, अन्यथा आने वाले समय में और ज्यादा आप गहरे आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज घर के बाहर का भोजन बहुत ज्यादा करने से बचना चाहिए। बाहर का अगर आप भोजन बहुत ज्यादा करेंगे तो इस अशुद्ध भोजन से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए आप जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज देवर्षि नारद जी की जयंती है। आज की तिथि का क्या है महात्मा, आइए जानते हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में से एक माने जाने वाले हैं। महायोगी नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। वे प्रत्येक युग में भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का विस्तार करते हुए लोक कल्याण के लिए सर्वदा सर्वत्र विचरण किया करते हैं। भक्ति तथा संकीर्तन के ये आद्य आचार्य बताए जाते हैं। इनकी वीणा भगवत जाप महति के नाम से विख्यात है, उससे नारायण नारायण की ध्वनि निकलती रहती है। ऐसा आपने हमारे जो धार्मिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई पिक्चर है, फिल्म है, उनमें भी आपने बहुत देखा होगा। इनकी गति जो है अव्याहत है, वो कभी रुकती नहीं है। ये ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हुए और देखते हैं और उन और अजर अमर हमारे इस सृष्टि में बताए जाते हैं। भगवत भक्ति की स्थापना तथा प्रचार प्रसार के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ था। भक्ति का प्रसार करते हुए वे अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों का सहयोग करते रहते हैं। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का आविर्भाव होता है ये उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नारद मुनि जो हैं, जिन्हें देवर्षि नारद कहा जाता है, ये भगवान के प्रिय पात्र तो ज़रूर हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में सूचनाओं के आदान प्रदान में भी इनकी बहुत भूमिका रही है। विष्णु जी का क्या संदेश महादेव को देना है, महादेव का क्या संदेश देवी दुर्गा को देना है, ये संदेश वाहक का काम भी किया करते थे। और समय समय पर देवी देवता जब अपना निर्णय नहीं ले पाते थे तो ये बहुत अच्छे सुझावकर्ता भी हुआ करते थे, लोग इनके पास आते थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से, आपने पुरानी कथाओं में पढ़ा होगा, सुना होगा, जब मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि देवताओं ने नारद मुनि से पूछा, फिर नारद मुनि ने उनका मार्गदर्शन किया कि आपको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। इस प्रकार से इनकी भूमिका हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे जगत में, इस सृष्टि में बहुत ज़्यादा आवश्यक रही है। लीलापयोगी उपकरणों का संग्रह करते हुए और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं, इनका जीवन मंगल के लिए ही बताया जाता है। देवर्षि नारद व्यास वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव आदि के गुरु हैं। श्रीमद् भागवत जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य का परम उपदेशक ग्रंथ रत्न है तथा रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन आदर्श चरित्र से परिपूर्ण है, देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हो सका। ये उन्हीं के माध्यम से हम तक यानी मनुष्य योनि तक पहुँच पाया है। इन्होंने ही प्रहलाद ध्रुव राजा अम्बरीश आदि महान भक्तों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। ये भगवान धर्म के परम गूढ़ रहस्य को जानने वाले ब्रह्मा शंकर सनत कुमार महर्षि कपिल स्वयंभुव मनु आदि 12 आचार्यों में अनन्यतम है। देवर्षि नारद द्वारा विरचित भक्ति सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। नारद जी को अपनी विभूति बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद
अर्थात नारद के भक्ति सूत्र के अलावा नारद महापुराण, वृहन नारायण उपपुराण, संहिता स्मृति ग्रंथ जो है, नारद परिव्राज्य, कोपनिषद, नारदीय शिक्षा के साथ ही अनेक स्रोत भी हमें उपलब्ध होते हैं। देवर्षि नारद के सभी बड़े उपदेशों का निचोड़ यह है कि सर्वदा सर्व भावेन निश्चितेंते भगवानेव भजनीय, अर्थात सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर के केवल भगवान का ही ध्यान और उनका मनन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। देवर्षि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति और महात्म के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। अब ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव भक्त इत्यादि को उपदेश देकर के इन्होंने ही भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। इनकी समस्त लोकों में आबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर के रूप में भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। तो इस कारण से आज की तिथि जो है वो बहुत ही विशेष हो जाती है। आज की तिथि में भगवान देवर्षि महर्षि नारद को हमें अवश्य ध्यान करना चाहिए और यदि संभव हो जाए तो उनके निमित्त आज की तिथि में व्रत अवश्य किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।